Welcome to FA Online Classes. Student, today in this video we are going to complete the remaining part of lesson number 3, Windows. Take out your computer book and open your book at page number 23. Students, in my previous video, I taught you about Windows, file and folder. And now we will learn more about folder. Let's start reading. Making a folder. Folder banana. Aaj hum folder banana seekhenge. फोल्डर किस तरीके से बनाया जाता है यहाँ पर बताया गया है। फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं वेर यू वांट, जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर आप बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप एक फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं दूसरे फोल्डर में भी। अब यहाँ पर कुछ स्टेप दिए हैं जिनको फॉलो करने से हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पर। स्टेप फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले क्या करेंगे हम एक बार क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर यूज़ करके, राइट माउस बटन का यूज़ करके क्लिक करेंगे हम। फिर इसका रिजल्ट होगा क्या होगा, एक लिस्ट होगी ऑप्शन की, वो अपीयर होगी, आपको नज़र आएगी, दिखाई देगी। स्टेप सेकंड है, माउस पॉइंटर को हमें ले जाना है न्यू ऑप्शन जो हमारा लिस्ट में आएगा वहाँ पर। फिर उसका रिजल्ट आएगा, एक लिस्ट नई होगी जो वो अपीयर होगी नए ऑप्शन के सामने, एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, फिर ये वाली नई लिस्ट आएगी। फिर स्टेप थ्री है, इसमें से फिर क्या करना है, फोल्डर ऑप्शन जो है नई लिस्ट में से उसको सिलेक्ट करना है लेफ्ट माउस बटन का यूज़ करके। फिर उसका रिजल्ट होगा, एक फोल्डर अपीयर होगा डेस्कटॉप पे जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये विद द नेम न्यू फोल्डर हाइलाइटेड, यहाँ पर दिखाया हुआ जैसे न्यू फोल्डर ये हाईलाइट हो रहा है इसका नाम, यह अपीयर होगा। फिर स्टेप फोर है लास्ट, फिर इसमें क्या करना है, नए नाम को टाइप करना है जो आप अपने फोल्डर को देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉपिंग ए फाइल और फोल्डर टू ए फोल्डर, यानी फाइल या फोल्डर की कॉपी करना सीखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि एक फाइल या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब आप कॉपी कर सकते हो फाइल को या फोल्डर को दूसरे फोल्डर में, लेकिन एक फाइल को यहाँ पर बताया गया है कि फाइल को कॉपी नहीं कर सकते आप दूसरी फाइल में। एक फाइल या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं राइट क्लिक ऑप्शन से माउस के, क्या यूज़ करके, यूजिंग द एडिट मेनू एंड यूजिंग द कीबोर्ड, इन दोनों का यूज़ करके। अब स्टेप दिखाएं यहाँ पर कॉपी करने के लिए एक फाइल को फोल्डर से यूजिंग द माउस, माउस का यूज़ करके। स्टेप फर्स्ट है यहाँ पर हमारा सेलेक्ट करनी है फाइल हमें जो भी कॉपी करनी है, लेफ्ट माउस बटन का वंस क्लिक करके एक बार यूज़ करके। स्टेप टू है हमारा, एक बार हम क्लिक करेंगे राइट माउस बटन पे फिर हमारी फाइल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी, रिजल्ट होगा उसका एक लिस्ट होगी ऑप्शन की, वो अपीयर होगी जैसे यहाँ पर दिखाई हुई है। फिर उसमें से क्या करना है, थर्ड स्टेप में माउस पॉइंटर जो है वो कॉपी ऑप्शन इन द लिस्ट में ले जाना है। फिर स्टेप फोर्थ में सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन, यानी वहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी, तो इस पर हमें इसको सेलेक्ट करना है क्या यूज़ करके, लेफ्ट माउस बटन का यूज़ करके उसको हमें सेलेक्ट करना है। फिर स्टेप फाइव है, फिर क्या करना है, माउस पॉइंटर जो है उसको फोल्डर पर ले जाना है जिसको आप कॉपी करना चाहते हो, जिस भी फाइल को, और फिर फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। स्टेप सिक्स है, राइट माउस बटन का यूज़ करके एक बार क्लिक करना है फिर उसका रिजल्ट आएगा जैसे पीछे मेनू दिखाया गया था, ये दोबारा से आपको दिखाई देगा मेनू, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ज़्यादा आएगा इस बार आपका, वो क्या ऑप्शन होगा, पेस्ट, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है पेस्ट, ये वाले ऑप्शन के साथ आपका मेनू आएगा। फिर स्टेप सेवन में हमें क्या करना है, इस पेस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है लेफ्ट माउस बटन का यूज़ करके, और फिर लास्ट में उसका रिजल्ट आएगा, इससे क्या होगा, जो फाइल हमने सेलेक्ट की है और फोल्डर में सेलेक्ट करनी है वो कॉपी हो जाएगी। मूविंग ए फाइल और ए फोल्डर, अब यहाँ पर फाइल या फोल्डर को मूविंग के बारे में हम पढ़ेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ में, जब हमें फाइल को कॉपी करना होता है या उसको मूव करना होता है।
अब यहाँ पर बताया है कि कॉपिंग ए फाइल, फाइल को कॉपी करना डिफरेंट है, अलग है मूविंग ए फाइल से। जब कॉपी की जाती है फाइल को तो जो कॉपी होती है सेलेक्टेड फाइल की वो ओरिजिनल फॉर्म में ही अपनी रहती है, यानी ओरिजिनल ही उसकी जो पोजीशन है वही रहती है जहाँ से इसको कॉपी किया जाता है। जबकि मूविंग द फाइल, जब हम फाइल को मूव करते हैं तो ये मूव हो जाती है अपनी ओल्ड पोजीशन से, यानी पुरानी पोजीशन से एक नई पोजीशन में ये चेंज हो जाती है। अब स्टेप यहाँ पर बताएं इसके लिए भी, स्टेप फर्स्ट है कि फाइल या फोल्डर जो आप मूव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। फिर स्टेप सेकंड है राइट माउस बटन को देख करके जो लिस्ट आएगी ऑप्शंस की उसमें क्लिक करना है। फिर थर्ड है हमारा सेलेक्ट द कट ऑप्शन, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कट ऑप्शन। जैसे यहाँ पर लिस्ट आएगी उसमें कट ऑप्शन ही दिखाया हुआ है लेफ्ट माउस बटन का यूज़ करके। फिर स्टेप फोर होगा हमारा, फिर हमें क्या करना है, माउस पॉइंटर जो है हमारा उसको ले जाना है फोल्डर पे जहाँ आप फाइल या फोल्डर को मूव करना चाहते हैं। फिर स्टेप फाइव है, इस पर हमें क्लिक करना है एक बार राइट माउस बटन का यूज़ करके। फिर इसका रिजल्ट आएगा, एक लिस्ट होगी ऑप्शन की, वो आपको दिखाई देगी या नज़र आएगी। फिर स्टेप सिक्स होगा लास्ट में हमारा, फिर क्या करना है, पेस्ट ऑप्शन, वहाँ से हमें लिस्ट में से सिलेक्ट करना है फोल्डर को मूव करने के लिए। सेलेक्टिंग मोर फाइल्स एंड फोल्डर, और ज़्यादा फोल्डर्स या फाइल्स को सेलेक्ट करना, ये किस तरीके से कर सकते हैं, इसको दो तरीक़ों से किया जा सकता है। फर्स्ट है इवन सेलेक्शन एंड सेकेंड है ओड सेलेक्शन। इवन सेलेक्शन क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है कि इसका मतलब होता है कि किसी भी फाइल है या फोल्डर से उसके ग्रुप को सेलेक्ट करना एक दूसरे के नेक्स्ट नंबर यानी एक के बाद उसको सेलेक्ट करना। इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं वो बताया गया है यहाँ पर। स्टेप फर्स्ट है कि किसी भी फाइल या फोल्डर पर क्लिक करेंगे, और फिर स्टेप टू है कि शिफ्ट की जो है उसको हम प्रेस करेंगे यानी दबा कर रखेंगे और होल्ड करेंगे। फिर स्टेप थ्री है क्लिक द अदर फाइल फोल्डर, फिर दूसरा जो फाइल फोल्डर है उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप फोर है सभी फाइल्स या फोल्डर या तो रो में या कॉलम में इन दो फाइल्स के या फोल्डर के बीच में सेलेक्टेड हो जाएंगे। फिर ऑड सिलेक्शन मीन्स यहाँ पर बताया है क्या होता है। ऑड सिलेक्शन मीन्स होता है फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना एक ऑड वे में। इसके लिए भी स्टेप्स यहाँ पर फोर बताए हैं कि किसी भी फाइल या फोल्डर पर क्लिक करेंगे, फिर स्टेप टू है प्रेस और होल्ड करेंगे कंट्रोल की को, फिर स्टेप थ्री है क्लिक करेंगे हम दूसरे जो फाइल फोल्डर हैं वन बाय वन यानी एक एक करके, और स्टेप फोर है हमारा लास्ट में फिर सभी फाइल और फोल्डर जो आप क्लिक कर चुके हैं या आपने क्लिक किया है वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम चेंजिंग द डेट एंड टाइम, यानी अगर डेट और टाइम को चेंज करना के बारे में पढ़ेंगे, उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्लॉक जो होती है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है, किस जगह, वो होती है टास्क बार में राइट हैंड साइड पर। और ये क्या दिखाती है, ये करंट टाइम दिखाती है, यानी फिलहाल का जो टाइम होता है या मौजूदा वो टाइम बताती है या दिखाती है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि ये करेक्ट टाइम यानी सही टाइम बिल्कुल नहीं दिखाती, तो टाइम को करेक्ट करने के लिए क्या करना होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए हमें नीचे जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्लॉक की एक पिक्चर भी दिखाई हुई है, कहाँ पर है ये, यहाँ साइड में दिखाया हुआ है टाइम वगैरह जो है। स्टेप फर्स्ट है इसके लिए डबल क्लिक करना है क्लॉक पर टास्क बार पर, और एक विंडो जो है वो आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगी जैसे यहाँ पर दिखाई है। फिर स्टेप सेकंड है चेंज करने के लिए हमें क्या चेंज करना है, अगर मंथ ईयर डेट ये अगर हमें चेंज करना है तो क्लिक करना होगा हमें जो सही बॉक्स है हमारा उसके अंदर, और करेक्ट करना है उनको क्लिक करके राइट ऑप्शंस। फिर स्टेप थ्री है टाइम चेंज करने के लिए आपको ज़रूरत होगी, क्या ज़रूरत होगी मतलब अगर आपको टाइम चेंज करना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी क्या ठीक करने के लिए, आवर मिनट्स और सेकंड उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर स्टेप फोर है हमारा लास्ट वाला टू करेक्ट द आवर, यानी आवर को ठीक करने के लिए क्लिक करना है हमें और सेलेक्ट करना है आवर, फिर क्लिक करना है एरो को
क्या करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए उसकी वैल्यू को हमें एरो को क्लिक करना है। और फिर मिनट या सेकंड्स को करेक्ट करने के लिए भी हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी इसी तरीके से वो भी ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, चलिए एक्सरसाइज टाइम एक्सरसाइज देखते हैं। इसका पार्ट है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर क्या करना है, आपको ब्लैंक दिए हुए हैं, खाली जगह दी हुई है, उसमें वर्ड्स आपको भरने हैं, फिल करने हैं। कहाँ से, यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स आपको दिया है, पढ़कर आप वर्ड इसमें से छाट कर भरेंगे। फर्स्ट देखिए, द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कंप्यूटर इज, कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पे जो है वो कौन सा है। यहाँ पर इसमें से हम वर्ड देखेंगे, इसका फर्स्ट है विंडोज़, तो यहाँ पर फिल कर देंगे हम विंडोज़। सेकेंड है विंडोज़ इन एन इंटरफेस बिटवीन द डैश एंड द यूज़र, इसके लिए फिल करेंगे। सेकेंड है कंप्यूटर, मैंने यहाँ पर नंबर डाल लिए हैं, आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़कर फिल करेंगे बुक के अंदर ही। पार्ट बी देखिए, मेज द टू कॉलम, यहाँ पर टू कॉलम दिया आपके ए और बी, इन दोनों को, ए के जो वर्ड्स हैं उनको बी के साथ मैच करना है। जैसे फर्स्ट है हमारा विंडोज़, इसको मैच करेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड है डेस्कटॉप, क्या होता है ये, फर्स्ट स्क्रीन कंप्यूटर पर जो होती है उसको कहते हैं, तो इसको मैच करेंगे इसके साथ डी में। थर्ड है फोल्डर, फोल्डर क्या होता है, इसको मैच करेंगे हम ए ग्रुप ऑफ फाइल्स और फोल्डर, यानी फाइल और फोल्डर्स का जो ग्रुप होता है उसके साथ मैच करेंगे। फोर्थ है हमारा फाइल, फाइल क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ डाटा, इसके साथ मैच करेंगे इसको। एंड लास्ट फाइव इज क्लॉक, इसको मैच करेंगे हम डेट एंड टाइम, ये भी आप अपनी बुक के अंदर ही मैचिंग करेंगे। सी पार्ट है टिक द राइट ऑप्शन, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, जो आपका सही है उसमें आप पढ़कर टिक लगाएंगे। फर्स्ट देखिए, इट कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर का जितनी भी सारी फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करता है। ऑप्शन दिए हैं हमारे यहाँ सिस्टम, बी है फोल्डर, सी है विंडोज़, तो कौन सा राइट ऑप्शन है हमारा, विंडोज़, इस पर टिक लगाएंगे यहाँ पर हम। सेकंड है अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड टुगेदर, डाटा के कलेक्शन को जो एक साथ स्टोर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, मेन्यू, फाइल, फोल्डर, हमारा राइट ऑप्शन है इस पर फाइल, इस पर टिक लगाएंगे। इसी तरीके से आपको इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रीड करके अपने आप बुक के अंदर ही टिक लगाएंगे। डी पार्ट देखिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे आपके ये पांच क्वेश्चंस लिखे हैं, इनके आपको आंसर लिखने हैं। इसमें मैंने फिफ्थ नंबर पे क्रॉस लगाया है, इसको आपको नहीं करना है, हम चार क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे इसके। स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन नंबर थ्री के क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर वन देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर, यहाँ पर आपको फंक्शन बताना है क्या काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में। इसका आंसर है इट कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फाइल, फाइल टर्म से आप क्या समझते हो। इसका आंसर है अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड टुगेदर, ये इसका आंसर है सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फोल्डर, फोल्डर टर्म से आप क्या समझते हो। इसका आंसर है अ फोल्डर इज ए प्लेस वेयर यू कैन कीप मैनी फाइल्स। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट आर इवन एंड ऑड सिलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल्स और फोल्डर के ऑड और इवन सिलेक्शन क्या होते हैं। आंसर है इवन सिलेक्शन मीन्स टू सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ फाइल्स फोल्डर्स नेक्स्ट टू वन अनदर, एंड ऑड सिलेक्शन मीन्स टू सेलेक्ट फाइल्स फोल्डर्स इन एन ऑड वे। स्टूडेंट्स, आपको इनको कॉपी के अंदर लिखना है और आपको याद भी करना है। लास्ट पार्ट ई पार्ट है आपका, राइट दी फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन, यहाँ पर कुछ फाइल एक्सटेंशन दिए हैं उनकी आपको फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे फर्स्ट है हमारा SYS, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सिस्टम फाइल, ये मैंने आपको एक लिख कर दिखाई है। इसी तरीके से नीचे आपके लिए लिखने के लिए स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको लेसन में से पढ़कर खुद आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे सेकंड से एट तक।
स्टूडेंट्स आपको इसका डी पार्ट क्वेश्चन आंसर वाला कॉपी में करना है और जितना भी अदर वर्क मैंने आपको बताया है वो सब आप बुक के अंदर कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ लेसन नंबर 3 इज़ ओवर। थैंक यू।